ओम शांति। 4 जुलाई 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। प्रश्न, सबसे नंबर वन कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या होती है? उत्तर, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर वन कॉन्फ्रेंस है। जब यह कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। यह कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। गीत, माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई है। जो पास्ट हो गया है उनकी फिर महिमा होती है। जगत अम्बा की महिमा गाते हैं, तू हो भाग्य विधाता। अब यह हुई भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते हो। तुम जानते हो कि सौभाग्य विधाता एक ही बाप है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता है ही एक, दूसरा ना कोई। यह इस समय ही तुम जानते हो। वह सिर्फ भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी हम भगत तो नहीं हैं, हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वह है हरेक के पुरुषार्थ पर। इस समय पर तुम पुरुषार्थी हो बाप से वर्षा लेने की। ये जानते हो सभी बच्चों को एक बाप से वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो। तुम्हारा भी यह कर्तव्य है हरेक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो हैं वह स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें भी फिर नंबरवार हैं। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो उनको स्वर्ग नहीं कहेंगे, उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे तो जानते हैं कि हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेज बनना है। यह ईश्वरीय कॉलेज है ना। ईश्वर है विश्व का रचयिता। यह है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ। यह है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ता है वह औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही यह है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, बाकी सब ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण बच्चे सब सीखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हैं हम फिर 100 देवता बनेंगे। इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं। देवता धर्म को जानते ही नहीं। धर्म को ना जानना गोया इरिलीजियस है। धर्म में ताकत होती है। देवी देवता धर्म वाले जब सत्युग में थे तो अथाह सुख था। अभी तो है कलयुग, पुरुषार्थ कर सत्युग में आना है। जीवन मुक्त बनना है, जीवन बंद का त्याग करना है। स्वर्ग को याद करना है। याद कहो या योग कहो, बात एक ही है। योग को ही कहा जाता है मिलाप। तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से कम्युनियन है ही नहीं सिवाय एक शिव बाबा के। तो उसको ही याद करो, बाबा आप कितने मीठे हो,
ना मन ना चित था, आपने तो कितनी कमाल की है जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो। कोई भी हालत में बाप को याद करना है अथवा कम्युनियन करना है, बाप को याद करते हैं, बाबा से बोलते हैं, उनके साथ सभी का कम्युनियन है। जब आफत आती है तब कहते हैं, हे भगवान इनकी आयु बड़ी करो, अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी। तो यह कम्युनियन हुआ ना, यह याद की यात्रा होती ही एक बार है जबकि बाप आकर सिखलाते हैं, और सब कम्युनियन मनुष्य मनुष्य को सिखलाते हैं। गुरु के पास जाएंगे, कृपा करो, क्षमा करो, ये आफत मिटाओ। अभी तुम बाबा के पास बैठे हो, बाबा को याद कर कह सकते हो, बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा समझाते हैं, बच्चे ये ड्रामा अनुसार दुख सुख होता है, तुम्हारा कम्युनियन है ही बाप से। बाबा कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है, अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूँ, कर्म भोग तो भोगना ही है। अभी मैं तुमको ऐसा ऊंच कर्म सिखलाता हूँ, यह कम्युनियन होती ही है आत्माओं की परमात्मा के साथ। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते हैं, और कहाँ भी परमात्मा आत्माओं से कम्युनियन करे या आत्माएं परमात्मा से करें ये हो नहीं सकता। वो तो ना आत्मा को अपने को जानती है, ना परमात्मा को ही जानते हैं, सिर्फ गपोड़े मारते हैं। ये कब सुना कि परमात्मा स्टार है, उनमें सारा अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, कब ऐसे अक्सर सुने। उनों का कम्युनियन कभी होता नहीं है, बातचीत होती नहीं है, वो तो सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म से तो कुछ बातचीत हो ना सके, बातचीत तो होगी आत्माओं से, आकाश से क्या बातचीत करेंगे। आत्माएं जो महतत्व में रहती हैं वह यहाँ पार्ट बजाने आती हैं, बाकी निर्वाण धाम में क्या कम्युनियन करेंगे, वह तो तत्व है ना। कम्युनियन होती है परमात्मा के साथ, आत्मा ही बोलती है सुनती है इन ऑर्गन्स से। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ काम कर ना सके, यह आत्माओं की परमात्मा के साथ कम्युनियन एक ही बार होती है, जिसकी ही महिमा है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी कम्युनियन होता है, बस फिर कभी होता ही नहीं। देवताओं की कम्युनियन होती है क्या, वह तो कभी याद भी नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का कनेक्शन है ही बाप से, बाप को ही सब याद करते हैं। हे पतित पावन आओ, आत्मा ने कहा परम पिता परमात्मा को, इस जो इस समय शरीर में प्रवेश है, उनको कहते हैं शांति देने वाला दाता। हम फिर शांति धाम में कैसे आवें। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे सुख शांति का वर्षा देने कल्प कल्प आना पड़ता है। याद भी करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मेरे पास आना है। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है, शरीर धारण कराए सजा देते हैं, तब तो आत्मा को फील होगा ना। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है ना। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, परंतु मनुष्यों में ज्ञान है नहीं कि मैं आत्मा हूँ। कम्युनियन सब आत्माओं की आत्माओं के साथ होती है, आत्मा ही सारा खेल करती है। आत्मा शरीर के साथ कहती है मेरे साथ बच्चे हैं, परम पिता परमात्मा निराकार है, कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मुझे इतने बच्चे हैं, कितने बच्चों का दादा बनता हूँ, हिसाब किया जाए। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं,
अच्छा ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। यह बुद्धि में रहता है, परम पिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर निराकार शिव परमात्मा को ही कहेंगे। वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडोप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, अभी यह बातें तुम समझते हो। वह भी सभी की बुद्धि में एक रस नहीं बैठता है। बापी वर्षा देंगे, लायक बनाएंगे। बाप को याद करो, इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। इससे ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंत में तीसो गति हो जाएगी। याद से ही निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिली हुई है, सत्युग के मालिक वह कैसे बने यह कोई भी नहीं जानते हैं। महिमा गाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कितनी पूजा करते हैं, यात्राएं करते हैं। यहाँ तो बिल्कुल शांति है, भल बाप ज्ञान का सागर है। परंतु कहते हैं ये तो सेकंड की बात है, सिर्फ मुझे याद करो तो वर्षा तुम्हारा है ही। मन मना भव मध्याजी भव, बाकी है डिटेल की समझानी। वह भी कितने समय से देते रहते हैं, वह लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सब फालतू है। सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला है ही एक बाप। आत्माओं और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है, तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। बापी आकर नई दुनिया रचते हैं, लायक बनाते हैं। सबसे नंबर वन कॉन्फ्रेंस यह है, इनको कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है, यह संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है, जबकि आत्माओं से परमात्मा आकर मिलते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तप आदि कुछ होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी नंबर वन है, आत्माओं और परमात्मा की। आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीवात्मा बनती है। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश ना करूं तो अपना परिचय कैसे दूं और त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनाऊं? तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, मनुष्य नहीं समझते। विष्णु के साथ कृष्ण को भी चक्र दे देते हैं, गीता में कृष्ण का नाम दिया है, नहीं तो चक्र की बात है नहीं। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है, और जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस यह है, जीव आत्माओं और परमात्मा की। जीव आत्मा याद करती है परमात्मा को तो जरूर जीव में आएंगे ना, नहीं तो बोले कैसे। यह कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है, जो परम पिता परमात्मा आकर सर्व को सदगति देते हैं। पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की ही कॉन्फ्रेंस होगी, तब तो पावन बनाएंगे। कितनी सहज समझने की बातें हैं। उत्तम ते उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ। सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं, मामेकम याद करो। हे जीव की आत्माओं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती हैं, तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे। सर्व का सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वह बाप है। ऐसी बातें और कोई तो सुनाते नहीं, यह बातें तो शास्त्रों में भी नहीं है। परंतु शास्त्रों में कहाँ से आई,
बाप कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, शास्त्रों से क्या सीखेंगे। बाबा है कालों का काल, बच्चों को ले जाते हैं, जरूर आएंगे तब तो पावन बनाकर ले जाएंगे। तुमको पावन बना रही हैं, सत्यु में सब पावन है, जरूर संगम पर आया होगा पावन बनाने। अब तुम बच्चे जानते हो ये कल्प का संगम है, बाप आए हैं तुम्हारा कम्युनियन अपने साथ कराते हैं। कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आया हूँ, ये दादा कोई ब्रह्मा नहीं था, भल असुल ब्राह्मण थे परंतु वह छोड़ दिया। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है तो ब्रह्मा चाहिए, खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। नंबर वन पावन सो ही नंबर वन पतित, 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा ना। फिर फरिश्ता बनते हैं तत्वम, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता वह जास्ती ऊंच पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी हो ना, सिर्फ एक बाबा थोड़े ही करते हैं, खुदाई खिदमतगार तो बहुत चाहिए ना। तुम ओन गॉड फादरली सर्विस पर हो, अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, वह भल हेवन में जाते नहीं हैं, गाते हैं ना स्थापना करता हेवनली गॉड फादर। मुसलमान उसे बहिष्ट कहते हैं, खुद बहिष्ट में जाते थोड़े ही हैं, ये तो बुद्धि की बात है। स्वर्ग भारत था, अभी नर्क है, हेवन स्थापन करने वाला बाप के सिवाय कोई हो ना सके। हेल का अंत आए तब तो फिर बाप आकर हेवन में ले जावे, हेल में ही बाप को आना पड़ता है हेवन का मालिक बनाने। अभी तुम दोजक और बहिष्ट के बीच में बैठे हो, और तो सभी हैं ही दोजक में, सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिष्ट में जाते हो, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप से ही सच्चा कम्युनियन रखना है, बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है, बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। दूसरा पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन सबको बहिष्ट में ले चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले, अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। विस्तार, जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुखों के झूलों में झूलते हैं, उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया, उनका वायदा है ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी, ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना, वे सदा सुखमय संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होंगी। स्लोगन, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। अच्छा, ओम शांति।